गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में है वो तिफली क्या चले जो घुटनों के बल चला करते हैं। गिरना गिरने को आप हार नहीं बोल सकते। Do you think Congress is on a death bed? ये कैसा उठपटांग सा सवाल है, मुझे तो कहीं नहीं लगता। इंटरनेशनल कांग्रेस डेथ बेड पे होती तो भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ इतनी मेहनत ही नहीं करती। ऐसी जहरीले हवाएं जो है वो बहुत देर तक चलती नहीं है, वो कि भाजपा को भी पता है। देखिए जनता पार्टी कहती है कि लोगों के साथ धोखा किया है सत्यपाल मलिक जी, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी को ही बिलोंग करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी उनको करप्शन के चार्जेस में बुक कर रही है, राइट? तो मुझे लगता है कि ये है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को ठीक है आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रही है। उन्हीं के प्रेसिडेंट ने, उन्हीं के लोकल प्रेसिडेंट ने कहा जब वो आए थे सत्यपाल मलिक जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बोला ये अपना बंदा है, तो उन्हीं का बंदा ICBI उसको बुक कर रही है। तो लोगों को धोखा किसने दिया, उन्हीं के बंदे ने। रिलीजियस कार्ड्स प्ले करना, हिंदू मुस्लिम में फूट डलवाना, राइट? इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। हम उस कुर्सी की रिस्पेक्ट करते हैं, बट उस इंसान जो उस कुर्सी में, जो वो इंसान बैठा है जो गलत पॉलिसीज लाकर इस देश की तबाही कर रहा है, हम उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते। एक समय पे आते हैं अपना साफ कुर्ता पैजामा लेके, जिस कुर्ते पे, जिस सफेद कुर्ते पे उन 700 किसानों का खून लगा है और वो खून किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लाए क्यों? क्या ये देश एक एक्सपेरिमेंटल लैब रह गया नरेंद्र मोदी के लिए? क्या ये देश, क्या हम कठपुतलियां रह गए हैं नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए? मैम, जो युवा और पॉलिटिशियंस के दरमियान जो गैप बिल्ड हो गई है, उस गैप को कैसे दूर किया जा सकता है? आज की डेट में पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भारत का कभी अंग है तो जम्मू कश्मीर के लोग भी भारत के ही लोग हैं। जम्मू कश्मीर की धरती पर रहने वाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के रघु में बसने वाला इंसान है। कि यूथ की बात की है तो मैं हाल ही में कश्मीर गई थी, तो मैंने वहां माओं को बोला कि यम शुरछ इमन शुरन कैसा चाह इस खानदर करूं, इम शुर गसा नौकरियन मज लग गई, इम शुरन हूं जिंदगी गज बहाल रोज गई, इम शुरछन मरन खतर आम जबरावना, दिस हैज अ मीनिंग। तो टूट चुके हैं लोगों को जो सपने भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए। अब नाजरीन आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट में तौसीफ रहते, और मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत। मैम पहले आपका वेलकम करना चाहेंगे। एज ए यूथ अगर कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, बहुत सारे युवा जुड़े हैं कांग्रेस के साथ, तो गांधी खानदान को अब नए लोगों को लाना चाहिए आगे, क्योंकि बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि अब इसमें वो खानदानी राज चल रहा है। मैं दीपिका सिंह रजावत, आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया तो मुझे लगता है कि मैं एक अलग परिवार को बिलोंग करती हूँ, और आज की डेट में अगर मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हूँ तो एक अलग परिवार से कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हूँ। तो आपका ये कहना कि गांधी परिवार जो है बाहर के लोगों को मौका नहीं दे रहा है पार्टी में एक रोल प्ले करने का, तो मैं मानती हूँ कि ये सरासर गलत बात है, सरासर एक रूमर है, या पार्टी में पार्टी को डिफेम या पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव पैदा करने वाली बात है कि गांधी परिवार जो है वो बाहर के लोगों को मौका नहीं देता है पार्टी के लिए काम करने का। दिस इज़ कम्प्लीटली, दिस शुड बी रिजेक्टेड टू द कोर, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाहर से हूँ, मुझे पार्टी में पार्टी को ज्वाइन करने का मौका मिला, ना ही सिर्फ ज्वाइन करने का मौका नहीं मिला, मुझे पार्टी ने एक ओहदा भी दिया है, और मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा दिया है। अगर तो ये सिर्फ गांधी परिवार की बात होती तो मुझे लगता कि बाहर के टैलेंट को वो कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। मैम जिस तरह से चुनाव हुए, कांग्रेस की जो पकड़ थी कहीं ना कहीं, अगर यूपी की हम बात करें वहाँ पे जो कंपेनिंग हुई, फिर पिछले इलेक्शंस में 8-10 सीटें कांग्रेस ने वहाँ से ली थी, मगर ये वाला जो इलेक्शन हुआ तो इसमें खास कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस की जो पकड़ थी पंजाब में भी, तो कंपेनिंग ठीक तरह से राहुल साहब ने भी की और प्रियंका गांधी जी ने भी की, तो आखिरकार ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, तो कांग्रेस कमज़ोर हो रही है? देखिए मुझे आई थिंक वो एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में है वो तिफली क्या चले जो
घुटनों के बल चला करते हैं। आई थिंक मैंने राइट वे में शेर बोला है। देखिए, गिरना, गिरने को आप हार नहीं बोल सकते, गिरने को आप ये बोल सकते हैं कि हमें अपने कैलिबर को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट। एडमिटेडली वी कुड नॉट यू नो कम अप विद गवर्नमेंट इन आई मीन द रिसेंट असेंबली पोल्स जो कि हुए थे अभी हाल ही में कुछ स्टेट्स में हुए, बट आप उसको कांग्रेस की हार नहीं मान सकते। आप ये नहीं मान सकते कि कांग्रेस जो है एज अ पार्टी जो है वो डिमिनिश हो गई है या ख़त्म हो गई है। जमहूरियत की खूबसूरती है, जो कि पहले भी काफ़ी बार बोल चुकी हूँ कि ये जमहूरियत की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, इट इज़ अप टू द पीपल कि वो किस पार्टी को इलेक्ट करते हैं और पावर में देखना चाहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हैज़ बीन इन पावर फॉर ईयर्स टुगेदर। वी हैव बीन द फर्स्ट पार्टी इन इंडिया जिसने इंडिया की एक नए भारत की अंग्रेज़ों के बाद, अंग्रेज़ों के जो आज़ाद करके, आज़ादी की जंग तो सबने लड़ी थी, आज़ादी से जब हम बाहर आए तो इट वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली जिसने एक नए भारत की नींव रखी, राइट। सो मुझे लगता है कि ये इस समय बार बार एक क्वेश्चन के साथ आना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो असेंबली पोल्स में अच्छा नहीं कर पाई हाल ही में, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। मैम, बहुत सारे लीडर्स कहते हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस से जुड़ना एक पॉलिटिकल सुसाइड हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है जो लोग ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़ना पॉलिटिकल सुसाइड है, मुझे लगता है कि उन लोगों में कैलिबर अपना नहीं है, उन लोगों में पोटेंशियल अपना नहीं है। क्योंकि देखिए, जीत के साथ जुड़ना भी क्या कोई जुड़ना है, राइट। पेशेंस और मजा तो लड़ने में है। आप अपने पेशेंस को जज करते हैं, आप अपने कैलिबर को जज करते हैं, आप अपने पोटेंशियल को जज करते हैं बाय बीइंग विद अ पर्सन और बाय बीइंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन और बाय बीइंग विद अ पार्टी विच इज देयर एंड फाइटिंग। हम लोग तो देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारा लड़ना जो है वो देश को, देश के लोगों को कन्विंस करना है, हमारा लड़ना जो है वो देश के लिए बोलना है। हम मुद्दों पर बोल रहे हैं, हम अपोजिशन में बोल रहे हैं। अगर सरकार आजकल, अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत कर रही है तो वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू रेज वॉइस अगेंस्ट इट एंड वी आर डूइंग इट। चाहे फिर आप प्रियंका जी को देखें, आप राहुल जी को देखें या फिर आप हमारे स्टेट में देखें, हम बोल रहे हैं तो बोलने का मौका है हमारे पास, तो वी आर लाइक वी आर ऑन आवर जॉब। तो मुझे लगता है कि वो लोग जो बोलते हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़ना सुसाइड करने के बराबर है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों में पोटेंशियल नहीं है। अगर पोटेंशियल होता तो वो ऐसी बात करते नहीं। मैम, व्हाट डू यू थिंक, अभी बदलाव की जरूरत है कांग्रेस लीडरशिप में? देखिए, बदलाव की जरूरत समय के साथ साथ सब जगह होती है, बट एट दिस टाइम आई सी दैट पार्टी इज एट नेशनल लेवल, देर आर सीनियर लीडर्स हु आर देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट गांधी इज द पार्टी शुड गवर्न अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ गांधी इज ओनली। डू यू थिंक कांग्रेस इज ऑन डेथ बेड? ये कैसा उलपटांग सा सवाल है, मुझे तो कहीं नहीं लगता। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाती है राहुल गांधी जी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने में। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस डेथ बेड पे होती तो भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ इतनी मेहनत ही नहीं करती। वाहिद एक ऐसी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे देश में जो कि भारतीय जनता पार्टी को थ्रेट फील होती है। तो हम लोग डेथ बेड पे नहीं है, वी आर ऑन आर जॉब एंड वी आर ऑन वेरी मच ऑन आर फीट। मैम, क्या कांग्रेस का कमजोर होना बीजेपी के लिए ताकतवर बनाता है? कांग्रेस कमजोर है ही नहीं, ये सिर्फ एक हवा है, ये सिर्फ एक हवा है जो भाजपा के फेवर में है, और ऐसी जहरीले हवाएं जो है वो बहुत देर तक चलती नहीं है, वो कि भाजपा को भी पता है। देखिए, किसी को इमोशनली टारगेट करना इन अ वे कि लोगों को कुछ सब्ज बाग दिखाना, और आई एम श्योर ये सब्ज बाग जब लोगों को, देखिए, एक होता है किसी को कोई सपना दिखाना, दूसरा होता है उसके उस सपने जो सब दिखाया हुआ सपना है उसको पूरा करना। तो जब लोगों को जो ये, आप यकीन मानिए,
ये जो ये लोगों के सपने हैं ना, ये आहिस्ता 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 टूट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का, स्पेशली जम्मू के लोगों का वो सपना जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, वो टूट गया हुआ है। आज की डेट में लोग सड़कों पर है, अनएम्प्लॉयमेंट में जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर स्टैंड करता है। अगर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा किया होता बेरोजगारी मिटाने का, एक नया जम्मू सेट करने का, तो मुझे लगता है वो जो उन्होंने वो एक बड़े सपने दिखाए जम्मू के लोगों को, तो मुझे लगता है कि भारतीय लोग आज सड़कों पे नहीं होते। हर दिन धरनाएं लग रही हैं, हर दिन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीपल आर स्पीकिंग अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी, बिकॉज जो वो एक सपना भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिखाया, पूरे देश में दिखाया, वो सपना आहिस्ता आहिस्ता करके टूट गया है। यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ एक सपना दिखा सकती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सपने को पूरा करने का पोटेंशियल रखती है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि जितनी भी पार्टियां थी हिंदुस्तान में, अगर कांग्रेस की बात करें, जम्मू कश्मीर में अगर हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उन्हें हमेशा यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। क्या धोखा किया है आप बताइए, करप्शन की हम आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप बताइए क्या धोखा किया है। लेट भारतीय जनता पार्टी कम अप विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लोगों के साथ धोखा किया है। सत्यपाल मलिक जी, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी को ही बिलोंग करते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी उनको करप्शन के चार्जेस में बुक कर रही है। आज CBI ने उनको करप्शन के चार्जेस में बुक किया है, तो धोखा किसने दिया, राइट? तो मुझे लगता है कि यह है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को देखिए आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रही है। उन्हीं के प्रेसिडेंट ने, उन्हीं के लोकल प्रेसिडेंट ने कहा जब वो आए थे, सत्यपाल मलिक जी अगर मैं गलत नहीं हूं, तो बोला ये अपना बंदा है, तो उन्हीं का बंदा ICBI उसको बुक कर रही है। तो लोगों को धोखा किसने दिया, उन्हीं के बंदे ने दिया, कांग्रेस ने तो नहीं दिया ना। 370 के बाद जो वादे किए गए थे, दो जम्मू कश्मीर को दो यूटीज में तकसीम किया गया, फिर वादे किए गए थे डेवलपमेंट को लेके, रोजगार को लेके, मगर आज हम देखते हैं, पहले भी आपने जिक्र किया, युवा सड़कों पे है, महंगाई भी दूसरी तरफ बढ़ रही है, आप इस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी? देखिए आपको, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक चीज फील होती है कि लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, रिलीजियस कार्ड्स प्ले करना, हिंदू मुस्लिम में फूट डलवाना, राइट? इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, चाहे वो कितना भी आके अपनी जीत के परचम लहराए, ठीक है? आप देख रहे हैं, जैसे आपने बोला 370 अबॉलिश हुआ, किस तरीके से 370 अबॉलिश हुआ, राइट? अंडरस्टैंड? एंड देन उसके बाद जो होता है कि लोगों को सपने, अब इंटरेस्टिंगली उन्हीं का एक MP पार्लियामेंट में जाके झूठ बोलता है कि मेट्रो का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। बदकिस्मती इतनी है कि सदन में जाकर, कितनी एक पावन जगह है वो, उस पावन जगह पे जाकर झूठ बोलने की जो हिम्मत है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स में है। यही झूठ जो है भारतीय जनता पार्टी थ्रू आउट कंट्री जो है लोगों को बोल रही है, और एक नैरेटिव जो है वो सेट कर रही है। आप देखें, आप बेरोजगारी देखें, आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को देखें, आप किसी भी, आप हेल्थ केयर को देखें, आप दूर ना जाके पिछले एक साल पे नजर डालें, आप कोरोना के टाइम पे देश में क्या हुआ था या फिर स्टेट में क्या हुआ था। आप एक जर्नलिस्ट है, आई एम श्योर यू नो द रियलिटीज एंड फैक्ट्स मच बेटर देन मी, राइट? बिकॉज आप फील्ड में होते हैं, आप ग्राउंड पे होते हैं, आपने कोरोना का जो वो काल था वो आपने आंखों से देखा होगा। लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मरे हैं, लोग हॉस्पिटल में एक बेड मिले उसके लिए मरे हैं, ठीक है? तो इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है हमारे लोगों के लिए कि हमारा हेल्थ केयर इज नॉट इन प्रॉपर पोजिशन, राइट? आज की डेट में अगर आप खुद देखें,
आप एक सर्वे करें कि कितने लोग यूएमसी में एनरोल्ड होते एडमिट होते हैं और कितने लोग एम्स जाते हैं या बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, या जो हमारे साथ में पड़ोसी हमारा स्टेट है जो पंजाब है, डीएमसी में या बाकी हॉस्पिटल्स में कितने जाते हैं। प्राइवेट गवर्न हॉस्पिटल्स आर फ्लोरिशिंग एंड पीपल प्रेफर टू टेक यू नो ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एंड गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है चाहे वो हेल्थ केयर है या स्कूल है, दे आर फेलिंग। व्हाई? बिकॉज देर इज नो फॉलो अप, बिकॉज देर इज नो वर्क कल्चर। और इंश्योर किसने करना है? हम बार बार भारतीय जनता पार्टी या हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे क्यों सवाल उठाते हैं? बिकॉज करता धरता वो है, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल हिज प्रोमिसेज दैट ही हैज मेड टू द पीपल। His duty, he should not only divide people. देखिए, Prime Minister of India है, हम उस कुर्सी की respect करते हैं, जिस कुर्सी में वो प्रधानमंत्री बैठे हैं हम उस कुर्सी को नमन करते हैं, हम उस कुर्सी की respect करते हैं। But उस इंसान जो उस कुर्सी में जो वो इंसान बैठा है जो गलत policies लाकर इस देश की तबाही कर रहा है, हम उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते। आप क्यों बोलते हैं फार्मर्स के प्रोटेस्ट को? आप क्यों बोलते हैं कि 1.5 साल के लिए उन्होंने सड़कों पे फार्मर्स को रखा, 700 से ज्यादा फार्मर्स की मृत्यु हो गई, प्रोटेस्ट करते करते उनकी डेथ हो गई। फिर वो नरेंद्र मोदी एक समय पे आते हैं अपना साफ कुर्ता पैजामा लेके, जिस सफेद कुर्ते पे उन 700 किसानों का खून लगा है और वो खून किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैं आज ये हम जो है वो मन मुटाव मिटाते हैं और जो हमें ये कानून ये तीन कानून जो है वो एबॉलिश करता हूं, खत्म करता हूं। तो फिर लाए क्यों? क्या ये देश एक एक्सपेरिमेंटल लैब रह गया नरेंद्र मोदी के लिए? क्या ये देश, क्या हम कठपुतलियां रह गए हैं नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए? मैं कभी कभी सोचती हूं कि लोग क्यों, why people are not understanding this? जब सिलेंडर 300 रुपए का था तो लोग जो है वो तड़प रहे थे, आज सिलेंडर 1000 रुपए से भी ज्यादा है तो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। Why people are not, you know, मुझे लगता है कि ये जो नींद में लोग हैं, ये देखिए ना, ये मुझे लगता है कि दिस इज लाइक पीपल आर कमिंग अंडर हिज इन्फ्लुएंस। मैम, अगर कांग्रेस लोगों की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस लोग क्यों कमजोर समझ रहे हैं कांग्रेस को? कांग्रेस कभी कमजोर नहीं थी साहब, कांग्रेस कभी कमजोर नहीं थी साहब, कांग्रेस कभी कमजोर नहीं थी। एक नेशनलिस्ट पार्टी जो भारत के संविधान में विश्वास रखती है, भारत का संविधान वो एक बेसिक बुक जो हमें हमारे हकों की बात करता है, भारत का वो संविधान जो भारत को एक साथ जोड़े रखने की बात करता है, भारत का वो संविधान जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़े रखने की बात करता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ ये पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है ये भारत के संविधान के खिलाफ ये पार्टी है। आज देखिए किन किन गलत हरकतों में किन किन के मतलब क्या चाहते हैं कि भाई भाई से लड़े, क्या चाहते हैं कि आप एक जाति को दूसरी जाति के साथ लड़ा के आप अपने जीत के परचम फहराना चाहते हो? तो मेरे लिए जीत नहीं है, मेरे लिए तो यह हार से बदतर हार है। मैम, आने वाले टाइम में चुनाव अगर जम्मू कश्मीर में होंगे तो कांग्रेस पार्टी को आप कहां पे देखते हो जम्मू कश्मीर में? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग जो है ना वो बहुत समझदार लोग हैं। जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि लोगों को बोला जाता है हर एक टेन्यूर के बाद कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने। बट मैम, यहाँ पे एक सुनिए मैम, पहले सवाल मेरा एक, कांग्रेस पार्टी जो जम्मू कश्मीर में है, आजाद साहब अलग एक दो गुटों में बट गई है कांग्रेस, आजाद साहब का एक गुट है, मीर साहब का एक गुट है, ये ग्राउंड पे हमें दिख रहा है, तो इस चीज को पहले किस नजरिए से देखें? मुझे तो ये भी एक नैरेटिव लगता है, जैसे राहुल जी के खिलाफ नैरेटिव है, सोनिया जी के खिलाफ नैरेटिव है, ये जो आजाद साहब और मीर साहब के खिलाफ ये जो बातें होती है ये भी एक नैरेटिव है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जुड़ी हुई पार्टी है, चाहे वो दिल्ली में हो या जम्मू कश्मीर में हो, आजाद साहब और मीर साहब जम्मू कश्मीर में फेसेस हैं इंटरनेशनल कांग्रेस के, ठीक है? ये जो ये नैरेटिव है कि आजाद साहब और मीर साहब में एक फूट है,
ये फूट उन लोगों के दिमागों में चल रही है, बिकॉज उन लोगों को लगता है कि इनको लड़ा दो तो हमारी जीत है। ये जुड़े हुए लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, राइट? तो मुझे नहीं लगता, या मैंने देखा नहीं कि मीर साहब और आजाद साहब में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट? वी आर अ पार्टी, वी आर अ स्ट्रॉन्ग पार्टी, वी आर अ स्ट्रेंथ पार्टी, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड इन अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस विल डू गुड एंड विल कम अप विद विल इमर्ज एज अ यू नो पार्टी हैविंग मोस्ट ऑफ द सीट्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। मैम, जो युवा और पॉलिटिशियंस के दरमियान जो गैप बिल्ड हो गई है, उस गैप को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, किन पॉलिटिशियंस की बात करते हैं आप? मुझे तो एक चीज फील होता है, विच आई स्ट्रांगली फील एज अ लॉयर, एज अ यू नो एज अ इमर्जिंग पोलिटिकल पर्सन। आई डोंट कॉल माई सेल्फ एज अ पोलिटिकल पर्सन, आई कॉल माई सेल्फ एज अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट, राइट? मुझे एक चीज जो है वो बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि हर युवा को, हर कॉलेज स्टूडेंट को, हर स्कूल गोइंग स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं, मुझे लगता है कि हर एक everyone has a role to play. आज की डेट में पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, वाई? बिकॉज दिस हैज अ थिन लाइन टू अंडरस्टैंड. आप, मुझे लगता है, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग यू नो थिंग्स दैट आर नॉट रेलिवेंट, मुझे लगता है कि आज की डेट में युवाओं को सियासत में जुड़ना, सियासत के साथ जुड़ना, सियासत पे एक बहस छेड़ना, लीडर्स के कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना, लीडर्स की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना, पॉलिटिकल पार्टीज की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? देखिए, आपके पास ये बात जो है, आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो, इंपॉर्टेंट इज टू गवर्न एंड इलेक्ट द राइट पर्सन. इंपॉर्टेंट इज टू गवर्न, गेट आवर सेल्व्स गवर्नड, let ourselves governed and elect a person, the person who has the potential, the person who has the caliber. You cannot koi aaya hai, usne aapko sabz baag dikhaya, usne aapko aapke sath jhoothe vaade kiye, aap us insaan ko kursi pe laake nahi dekh sakte, aap usko kursi nahi de sakte. Kyun? Agar wo insaan sahi ka leader hai, agar us insaan mein sahi potential hai, अगर वो उस इंसान में आपका दर्द समझने की वो एक क्षमता है, तो वही एक इंसान आपकी बात को आगे रख सकता है, वही एक इंसान आपके साथ करे हुए वादों को पूरा कर सकता है. नॉट एवरीवन कैन डू. देखिए, वेलफेयर को अंडरस्टैंड करना है. मुझे लगता है कि युवाओं को, मैं जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं को आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगी कि वेलफेयर के लिए आवाज उठाए, डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाए, प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठाए, इंप्लीमेंटेशन के लिए आवाज उठाए और एक ताकत बन के सामने आए. वॉचडॉग होना बहुत जरूरी है. अगर आप सोए रहेंगे तो यही वही होगा जो आज की डेट में हो रहा है, क्योंकि जिस दिन आप जागेंगे तो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी ये सोचेगा कि नहीं, वो मुझे देख रहा है. और आप में, जनता में इतनी हिम्मत है कि किसी भी टाइम पे एक आवाज उठा के बड़ी से बड़ी सरकार को एबॉलिश करवा सकते हैं. जो युवा है जम्मू कश्मीर के, स्पेशली अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, वहाँ पे युवा काफी ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि टर्माइल ऐसा रहा है. और हम देख रहे हैं कि आए दिन पॉलिटिकल वर्कर्स को भी निशाना बनाया जाता है, या पुलिस पर्सन को निशाना बनाया जाता है. कल और एक IGP का एक स्टेटमेंट आया कि उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी जिस घर में मिलिटेंट्स पाए जाएंगे. तो कहीं ना कहीं, एक तो उनके हाथ में, वहाँ से भी पुलिस का भी उनके हाथ में भी हथियार, मिलिटेंट्स आते हैं उनके हाथ में भी हथियार. तो एक आम, देखिए, मैं आई कुड अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन वेल. जम्मू कश्मीर इज अ वेरी सेंसिटिव प्लेस टू डील विथ. एक जब मैं लॉ कर रही थी तो हमने एक जजमेंट पढ़ी थी. उस जजमेंट में बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ था. यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस बुल इनटू अ चाइना शॉप, राइट? मीनिंग देयर बाय, जो एक चाइना शॉप होती है उसमें जो चाइना के बने हुए बर्तन होते हैं या बाकी सामान होता है, वो बहुत डेलिकेट होता है. अगर आप बुल को उसमें जाने दो तो वह तहस नहस कर देगा. आई होप the viewers and you are able to understand what I said.
सो जम्मू एंड कश्मीर एक वो ऐसी सेंसिटिव जगह है दैट यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस स्ट्रिंजेंट लॉज. लेट मी बी वेरी यू नो फर्म ऑन दिस थिंग. जम्मू एंड कश्मीर इज अ प्लेस जिसको हमने बहुत टेक्निकली और बहुत ही एक अलग तरीके से डील करना है बिकॉज इट इज अल्टीमेटली आर ओन पीपल, हमारे अपने लोग. अगर जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो जम्मू कश्मीर के लोग भी भारत के ही लोग हैं. जम्मू कश्मीर की धरती पर रहने वाला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के रघु में बसने वाला इंसान है. तो आप जम्मू कश्मीर को एज अ टेरिटरी नहीं देख सकते, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आपने अपना समझना है. तो आप स्ट्रिंजेंट होके उस बुल को इस चाइना शॉप में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अल्टीमेटली टू सी द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट इज अल्टीमेटली सी द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. यू कैन नॉट प्ले विद द इमोशंस. आप किसी को मार के किसी की लाइफ इंश्योर नहीं कर सकते. अब कश्मीर की यूथ की बात की है तो मैं हाल ही में कश्मीर गई थी तो मैंने वहां माओ को बोला कि यम शुरच इमन शुरन के सच इस खानदर करूं इम शुर गस नौकरियन मज लगई इम शुरन हूं जिंदगी गस बहाल रोज गई इम शुर छन मरने खतर आम जबरावना. दिस हैज अ मीनिंग. मैम लास्ट में आपसे ये जानना, हर किसी पार्टी का अब मैनिफेस्टो है डेवलपमेंट एजुकेशन पूरा कितना करते हैं कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी जम्मू कश्मीर स्पेशली इंटरनेशनल पार्टी का हमेशा से एक ही प्लान ऑफ एक्शन रहा है कि इस देश को बहाल देखे, इस देश को गवर्न देखे, इस देश को डेवलप देखे. सो ड्रीम ऑफ डेवलप्ड इंडिया विल बी फुलफिल्ड बाय इंटरनेशनल कांग्रेस ओनली बिकॉज इंटरनेशनल कांग्रेस वाहिद एक ऐसी पार्टी है इस देश में जो कि इस कंट्री की डेवलपमेंट इन टू सेंस, डेवलपमेंट ऑफ थॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एज अ होल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एज अ नेशन एट इंटरनेशनल लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप वाहिद कुछ चीजों को रेज करके इंडिया को डेवलप्ड कंट्री नहीं बना सकते. आपको डेवलपमेंट एज अ होल देखनी है और वो सिर्फ इंटरनेशनल कांग्रेस में हिम्मत है और वो सिर्फ पोटेंशियल और वो कैलिबर सिर्फ इंटरनेशनल पार्टी में है, इंटरनेशनल कांग्रेस में है. बाकी अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि हमारे पास क्या मैंडेट है या हमारे पास क्या व्हाट यू सेड नया क्या है आपके पास, तो विद टाइम एंड वेरी सून विल कम अप विद आर व्हाट वी हैव फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आई थिंक पीपल विल एक्सेप्ट एंड आई थिंक पीपल विल यू नो चूज इंटरनेशनल कांग्रेस ओनली क्योंकि सपने तो टूट चुके हैं लोगों को जो सपने भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए. मैम बात करने के लिए शुक्रिया. ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत. आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ. दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.